आज उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक है। इसमें चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। 9 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर, मंत्रिमंडल उप कमेटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने की घोषणा की थी। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट का विधेयक समाप्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा नूजल नीति के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मंत्री बंशीधर भगत ने इसे कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसके लिए तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की जो घोषणा पुष्कर सिंह धामी ने की थी उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मुहर लगनी अभी बाकी है। तो ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि जनता के लिए क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक होनी है और शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। सबसे खास बात ये है कि चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, उसके बाद जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें कहीं ना कहीं जनता के हितों के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कैबिनेट पर मुहर लगाने की कोशिश सरकार करती है और यही उम्मीद जनता भी कर रही है कि इस बार की जो कैबिनेट बैठक है उसमें कहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर जनता के बीच एक सौगात देने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन उसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की जो मांग तीर्थ पुरोहित कर रहे थे और उसके बाद खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बोर्ड भंग करेंगे, तो कहा जा सकता है कि उसको भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है और मंत्रिमंडल के समक्ष उसे रख के पास करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान बोर्ड को भंग किया जाएगा। बिल्कुल सुभाष, यहाँ पर भू कानून को लेकर भी काफी चर्चाएं थी कि भू कानून को लेकर कोई बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है, क्या आज इस कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है, ऐसी कोई चर्चाएं? जी बिल्कुल काजल, लगातार ये देखा जा रहा था कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य और लोगों की मांग भी थी कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लागू किया जाए हिमाचल के तर्ज पर, और क्योंकि ये जरूरी भी था, लगातार जिस तरीके से जनसंख्या में विस्तार हो रहा था शहरी क्षेत्रों में, तो जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जनता थी, या कहा जा सकता है उत्तराखंड के जो निवासी है, वो मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में भी एक भू कानून होना चाहिए था और उसको लेकर पिछले लंबे समय से जो विपक्षी दल है और अन्य कहीं जो समाज सेवी लोग हैं वो भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि कैबिनेट के समक्ष भू कानून प्रदेश में नया लाया जाए उसको लेकर भी सहमति बन सकती है। लेकिन कहा जा सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लगातार जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, तो भू कानून एक बड़ा मुद्दा हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल, और सुभाष ये भी देखा जा सकता है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आज जो भी चर्चाएं होंगी उन पर अंतिम मुहर आज लग जाएगी कैबिनेट की। इसके अलावा कुछ और भी बातें थी जिसको लेकर आम जनता जो है वो सरकार से गुहार लगा रही थी, उसमें एक था कि जो पीने का पानी है वो कुछ लोगों को अभी भी, कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर नहीं ठीक तरह से मिल पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या इसको लेकर कोई गठन हो सकता है समिति का, ऐसी कोई चर्चा? जी बिल्कुल काजोल, पानी की समस्या को लेकर सरकार ने पहले ही एक बड़ी योजना घोषित की थी कि हर घर जल और हर घर नल वाली जो योजना थी, जिसमें 1 रुपए में हर घर में नल मिलेगा, पहाड़ के उस क्षेत्र में भी पानी पहुंचेगा जहां लंबे समय से किसी भी सरकार ने पानी नहीं पहुंचाया था। लेकिन क्योंकि इस योजना का शुरुआत तो सरकार द्वारा कर दी गई है और ये कहा जा सकता है पहले फेज में सभी गांवों तक नलों की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो है पानी लाने की उन नलों में, तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट में रखा जा सकता है कि दूसरे फेज का जो काम है वो कितनी तेजी से किया जाता है और उस काम को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव में विपक्ष कहीं इसको मुद्दा ना बना ले, तो कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर भी मंत्रिमंडल पर चर्चा की जा सकती है और कुल मिला के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जनहित के उन तमाम मुद्दों को इस कैबिनेट बैठक में लाने की कोशिश मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, मुहर भी लग सकती है, जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर अंतिम मुहर आज लग सकती है क्योंकि 2022 बेहद नजदीक है। ऐसे में बिल्कुल सरकार चाहेगी कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटा दिया जाए ताकि 2022 में इसका नुकसान ना हो और इसकी भरपाई ना सरकार को करनी पड़े। तो कैबिनेट की बैठक है आज और कुछ ही देर बाद कैबिनेट की अहम बैठक जो है धामी कैबिनेट की वो शुरू होने जा रही है।